दोस्तों, आज भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच तीसरा T20 मैच चल रहा था। वहीं इस मैच में दो सुपर ओवर हुए। इस मैच में भारत ने टॉस जीता और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी का फैसला किया और अफगानिस्तान को फील्डिंग के लिए आमंत्रित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जयसवाल भारत के 18 रन पर आउट हो गए। तभी विराट कोहली बल्लेबाजी करने आते हैं और पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं। फिर रोहित का साथ देने आए शिवम दुबे, वो एक रन बनाकर आउट हो गए। फिर सैमसन बैटिंग करने आए, वो भी पहली ही गेंद पर आउट हो गए। नतीजा ये हुआ कि भारत ने 22 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। तभी रोहित का साथ देने रिंकू सिंह आ जाता है। रोहित और रिंकू ने मैच को आगे बढ़ाया। बाद में रोहित शर्मा अपने आक्रामक रूप में आए और छक्कों और चौकों की बाढ़ ला दी। रोहित और रिंकू एक साथ, नतीजा ये हुआ कि भारत ने 20 ओवर में 212 रन बनाए। वहीं रोहित शर्मा ने सिर्फ 59 गेंदों पर 121 रन और रिंकू सिंह ने सिर्फ 29 गेंदों पर 59 रन बनाए। वहीं अफगानिस्तान के लिए फरीद अहमद ने 3 विकेट लिए। 213 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत शानदार रही और उसके दो बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़े। फिर उनके 3 विकेट गिरे। फिर गुलबद्दीन और नबी ने मैच को आगे बढ़ाया। नबी ने कुल 16 गेंदों पर 34 रन बनाए और गुलबदन ने मैच को अंत तक पहुंचाया। अफगानिस्तान को आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे और गुलबद्दीन ने 18 रन बनाकर मैच ड्रा करा लिया और सुपर ओवर में ले जाता है। फिर सुपर ओवर में अफगानिस्तान का स्कोर 16 रन होता है और लक्ष्य 17 रन होता है। अफगानिस्तान रोहित शर्मा और जयसवाल भारत के लिए ओपनिंग करने आते हैं और भारत सुपर ओवर में 16 रन बनाता है और ड्रॉ हो जाता है। फिर होगा एक और सुपर ओवर। भारत ने 12 रन का लक्ष्य रखा और अफगानिस्तान बल्लेबाजी करने आया और रवि विष्णु की गेंद पर एक रन पर 2 विकेट आउट हो गए। नतीजा ये हुआ कि भारत मैच जीत गया और अफगानिस्तान सीरीज में एक भी मैच नहीं जीत सका। भारत ने 3 मैच जीते। मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा और मैन ऑफ द टूर्नामेंट शिवम दुबे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही क्रिकेट अपडेट पाने के लिए क्रिकेट इन्फो हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।